हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं BEO एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं। ये GS प्रीलिम्स का पेपर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये इस वीडियो का लास्ट सीरीज़ है, इस पेपर का ये लास्ट सीरीज़ है। और इसको पूरा देखिए और इसके आप पिछले वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिए जो कि सॉल्व कराया जा चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इसका हो जाएगा 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान जो है ये फोकस्ड है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पर। अगला है द न्यू शीम पहल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। इनमें से एक योजना है पहल, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, वो इन चारों में से किससे संबंधित है ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैश ट्रांसफर टू द फार्मर ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर एंड क्रॉप लॉस। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जब मौसम ख़राब होता है और फसल ख़राब होती है तो उस समय ये पहल योजना शुरू की गई है, उस समय किसानों की मदद के लिए। ठीक है, किसानों की मदद के लिए जब मौसम ख़राब की वजह से ये उन लोगों का जो फसल होता है वो ख़राब हो जाता है तो किसानों को कैश ट्रांसफ़र किया जाता है ये पहल योजना के थ्रू। ठीक है, भारत सरकार के थ्रू ये शुरू किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है विच इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। इन चारों में से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो वीट जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये है ऑप्शन सी सही आंसर। अगला है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंसड अ लिस्ट ऑफ 98 सिटीज़ एंड टाउन्स सेलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। विच स्टेट हैज़ बीन एलोकेटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ इन द कन्वेटेड लिस्ट। तो इसका सही आंसर है 94 का स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी यूपी। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट जो है ये हाल ही में अनाउंस की है कि 98 सिटी की एक लिस्ट हाल ही में जारी किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ठीक है, स्मार्ट सिटी और टाउन्स के का ये जो मिशन है उसके अंतर्गत 98 सिटी की एक लिस्ट, 98 सिटी की लिस्ट जो है ये जारी की गई है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो शहर है, स्टेट है सॉरी, कौन सा स्टेट है जो कि हाईएस्ट नंबर पर लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो यूपी जो है ये उन सिटीज़ में सबसे हाईएस्ट नंबर पर है। अगला है व्हाट इज़ आधार, आधार क्या है, तो ऑप्शन सी होगा, अ 12-डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार जो है ये 12 डिजिट का एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जारी किया गया है, इशू किया। अगला है कि द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP अनाउंस्ड इन फेब्रुअरी 2000 एम्स एट अचीविंग अ स्टेबल पॉपुलेशन कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय द ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2045। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP जो है ये अनाउंस्ड हुआ था फरवरी 2000 में एम्स एट अचीविंग अ स्टेबल पॉपुलेशन कंसिस्टेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में, तो और सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये पूछा गया है किस ईयर में शुरू हुआ था, किस ईयर में शुरू होगा, तो 2045 में। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय द ईयर 2045। अगला है कि डीगो गार्सिया इज एन आइसलैंड लोकेटेड इन। ये जो है डीगो गार्सिया जो है ये आइसलैंड है, ये इन चारों में ऑप्शन में से कहाँ पर प्रेजेंट है, स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर है वहाँ पर ये आइसलैंड प्रेजेंट है। अगला है
कि बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वाज क्रिएटेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारपेटा, नलबारी एंड कामरूप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। में से पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी है जो 82.5 E लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बेस पर ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री ई लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इस वीडियो का और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। एमोंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया। पूरे देश का जो है देश में पूरे कंट्री जो कंट्री के बीच में पूरे संसार में वर्ल्ड में जो इंडियाज रैंक है एरिया के टर्म्स में, तो इसमें से कौन सा ये होगा सही आंसर। ऑप्शन बी है 7th। ठीक है, एमोंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उसमें भारत का एरिया के रैंक में क्षेत्रफल में कितना रैंक है, तो 7वां रैंक है पूरे संसार में भारत का एरिया के टर्म्स में। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं स्टूडेंट्स, और ये यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म होता है। इसके आगे भी सॉल्व पेपर कराया जाएगा प्रीवियस ईयर्स के BEO एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल के लिए स्टूडेंट चैनल के साथ में, और नोटिफिकेशन को बेल को अगर ऑन नहीं किया है तो ऑन रखिए, क्योंकि वीडियो हमेशा अपडेट होगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल मिलता रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, सभी लोगों को हेल्प मिल सके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स। ओके, गाइडलाइन मिल सके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर से सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।